हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 92 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जान और इबो विलेज इन्फिनिटी फेस्टिवल में फिर से एक बार अपनी शादी की वोज लेते हैं। अब देखते हैं आगे। रात के करीब 8 बज रहे थे। जान और इबो अभी भी उसी इन्फिनिटी फेस्टिवल में घूम रहे थे। हालांकि उनके पीछे पीछे उनकी सिक्योरिटी टीम भी घूम रही थी, पर वो सभी इबो के सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहते थे, क्योंकि इबो के ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि उन्हें बस तभी सामने आना है जब उन्हें वो खुद बुलाएगा, ना कि जहान। इबो को पता था जहान ऐसा पर्सन है जो बेझिझक होकर अपनी सिक्योरिटी टीम पर भरोसा करता है। दूसरी तरफ उसकी सिक्योरिटी टीम भी कम नहीं है, खासकर जॉन, जो जान की ज़रूरत से पहले ही उसकी मदद के लिए हाजिर रहता है। और जब इबो उसे ये कहेगा कि उसे सामने नहीं आना है, वो बार बार उनके पीछे आता रहेगा, ये बहाना देकर कि मुझे लगा बॉस को इस चीज़ की ज़रूरत होगी, मुझे लगा बॉस को उस चीज़ की ज़रूरत होगी। और इबो ने ये पहले भी देखा था जब वो जान के ऑफिस गया था। एक दिन जब जान अपने फाइल वर्क में इतना ज़्यादा बिजी था कि उसका ध्यान ही नहीं था कि वो वहाँ पर पहुँच चुका है, और जब उसने इबो को देखा तो वो खुद चौंक गया, क्योंकि रात के 7 बज रहे थे। वैसे तो जान की भौहें सिकुड़ गई थी इबो को देखकर, पर इबो ने जान के उन सिकुड़ी हुई भौहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने सीधा जान को खींचा और ऑफिस के बाहर निकाला, जिससे बाहर के सारे लोग चौंक चुके थे, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे ये कौन सा अजूबा है जो उनके बॉस को सीधा खींच कर ले जा रहा है। मतलब यार, उनका बॉस जो किसी टेबल से कम नहीं है, उसे कंट्रोल करने की हिम्मत कौन कर सकता है। दूसरी तरफ जनरल मैनेजर क्वान, जो बॉस का बेस्ट फ्रेंड भी था, वो आगे बढ़ने वाली हुडेड फिगर और उसके पीछे पीछे अपने बॉस को मजनू की तरह मुस्कुराते हुए जाते हुए देख रहा था, समझ चुका था यहाँ क्या चल रहा है, इसलिए बाकी सब कुछ संभालना उसकी जिम्मेदारी थी। जाहिर सी बात है, क्वान ने सब कुछ संभाल लिया और इबो जान को लेकर सीधा पार्क में आ गया, जो जान के ऑफिस के पास में ही था। जब जान ने वहाँ पर पहुँचने के बाद आखिरकार इबो से पूछा कि वो उसे ऐसे खींचकर यहाँ पर क्यों लाया है, तो इबो ने बस कंधे उड़ाते हुए कहा, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा था। जब जान ने ये सुना तो बाय गॉड, उसके चेहरे पर क्या स्माइल आई। जैसा कि इबो ने सोचा था, उन्होंने वो शाम साथ में बिताई तो सही। हाँ, बस खाने में जैसे अचार होता है, वैसे जान के पीछे पीछे उसकी पूरी पलटन थी। और जॉन था, जो जान की एक नज़र से ही समझ जाता था कि उसे क्या चाहिए। इसलिए इबो इस वक्त जब वो अपने हस्बैंड के साथ वेकेशन पे आया है, और खासकर विलेज के फेस्टिवल में आया है, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जान की सिक्योरिटी उन्हें किसी भी तरह से इंटरप्ट करे। और इसी टेंशन में उसके चेहरे पर प्यारा सा पाउट बना था। वैसे तो वो जान के कंधे पर सर झुकाए उसके साथ चल रहा था, और जान के चेहरे पर एक बड़ी वाली मुस्कुराहट थी, जैसे उसकी सिग्नेचर मुस्कुराहट होती है। उसका हाथ इबो की कमर पे जो था, दोनों ऐसे ही प्यार हुआ इकरार हुआ है पोज में चल रहे थे। तभी जान ने इबो का मूड देखते हुए पूछा, लव, क्या तुम अभी भी उनसे गुस्सा हो? तो इबो ने एक प्यारे से पाउट के साथ जान को देखते हुए कहा, अभी काका बहुत बुरे हैं। इबो के इतने प्यारे नखरे देखकर जान मुस्कराया, उसका दिल जो तेजी से धड़कने लगा था। फिर उसने इवो के नाटक में उसका साथ देते हुए पूछा, और तुम्हारे काका अभी बुरे क्यों हैं? इवो ने फिर से बेचारे वाले पप्पी आईज के साथ जान को देखा और कहा, क्योंकि काका ने बोबो को कॉटन कैंडीज नहीं खाने दिए। जान ने कहा, पर तुमने तो पहले ही खा ली थी ना, और मैंने तुम्हें मना कब किया? इवो ने कहा, पर मैंने फिर से ज़्यादा मांगी तब आपने मना किया, आप बहुत बुरे हो। जान ने कहा, बोबो तुमने पहले ही 10 कैंडीज खा ली थी, जब थोड़ी देर पहले उनका
ये वेडिंग वोज वाला इमोशनल मोमेंट हुआ था। इबो फिर से इजान को खींचकर कॉटन कैंडी के स्टॉल पर ले गया था और उसे फिर से उसने मनी वाली कॉटन कैंडी भी बनवाई थी और फिर से उसके मजे लेने लगा था। जहान प्यार से उसके बाल सहरा रहा था और इबो अपनी कॉटन कैंडी एंजॉय किए जा रहा था। एक के बाद एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर काउंट ही नहीं। और जहान प्यार में पागल वो इबो को कैंडीज पे कैंडीज दिए ही जा रहा था और बदले में उसे प्यारा से किस भी मिलता था। और अपने हस्बैंड के ऐसे नखरों से जहान कभी बच पाया है? वो तो और भी प्यार में पागल हो रहा था। पर जब इबो ने फिर से एक बार कैंडी मांगी तो जहान की भुहें सिकुड़ी। उसे पता था इबो को मीठा बहुत पसंद है, पर वो पहले ही बहुत ज़्यादा खा चुका है और ऊपर से अभी डिनर का टाइम भी हो रहा है। अगर इबो ऐसे ही मीठा खाता रहा फिर तो वो अपना डिनर ज़रूर से स्किप कर देगा। इसलिए जहान इबो के लिए ही परेशान हो रहा था। और दूसरी तरफ इबो बहुत बुरी तरह से चौंक गया था क्योंकि उसके हस्बैंड ने पहली बार उसे मना किया था। इबो ने फिर से एक बार अपनी पपी वाली आइस की ट्रिक चलाने की कोशिश की, फिर से अपने हस्बैंड से एक सॉफ्ट कैंडी मांगी, लेकिन जहान ने दोबारा से मना किया। इबो तो जहान का हाथ छोड़कर स्टॉल की तरफ भागने ही वाला था, पर जहान ने कहा कि वो उसके लिए कुछ नहीं खरीदेगा। इबो ने तो भागने की तैयारी करके जहान को जीप भी दिखा दी, पर इससे पहले कि वो जहान की पकड़ से छूटता जहान ने उसे प्रिंसेस कैरी किया, तुरंत गोद में उठा लिया और वहाँ से दूर लेकर आया। इबो को जब पता चला उसके पैर जमीन पर नहीं है, उसने हिलडुल कर खुद को जहान की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, पर जहान था कि उसने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली और बहुत ही गंभीर चेहरे से इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने हिलना डुलना तुरंत बंद कर दिया। इबो पर अपना इतना असर देखकर जहान के चेहरे की मुस्कुराहट वापस आ गई और वो इबो को वैसे ही कैरी करते हुए फेस्टिवल के एरिया से बाहर लेकर आया। और जैसे ही वो बाहर पहुंचे उसने इबो को उतार दिया जमीन पर। ये देखते ही इबो ने फिर से भागने की कोशिश की, पर जहान ने उसे तुरंत अपने बाहों में भर लिया और उसे प्यार से घूर कर देखा। इबो ने जैसे ही उसकी आंखें देखी वो समझ गया कि उसे बस जहान के साथ चलना है। इसलिए पाउट करके वो जहान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा, जब तक कि जहान ने उससे ये सवाल नहीं पूछा। वैसे जहान का सवाल तो लाश में था, पर इबो की जिद भी कम नहीं थी। उसने कहा, तो क्या ओल्ड मैन, उसके हिसाब से उसे कभी तो कॉटन कैंडीज खाने का मौका मिलता है और 10 कॉटन कैंडी इतनी भी बड़ी बात नहीं होती, और उसे हमेशा ही अपना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना ज़रूरी थोड़ी है। वो कभी कभार तो चीटिंग कर ही सकता है। एक तो उसका असिस्टेंट वो बॉसी चिंग उसे कुछ भी खाने नहीं देता और ऊपर से ये ओल्ड मैन भी उसे मना कर रहा है। पर जहान ने इबो की बात सुनकर सहाय करते हुए कहा, बेबी इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पर इबो तो अभी भी जिद्दी बच्चा बना हुआ था, उसने कहा, नहीं। इबो ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाया। वो जहान को दिखाना चाहता था कि वो सच में गुस्सा है और उसकी हरकत देखकर जहान को भी थोड़ा सा बुरा लगा। अब उसने एक गहरी सांस ली और फिर इबो को अपनी तरफ घुमाया, उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। और इबो तो था ही अपनी वार्मथ का भूखा, वो तुरंत जहान के टच में खोना चाहता था, पर अभी तो वो गुस्सा था इसलिए उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया और फिर से एक बार अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। ये देखकर जहान ने उसके चिन के नीचे उंगली रखी और फिर उसका चेहरा ऊपर उठाया। इबो झुकी हुई पलकों से जहान की तरफ देख रहा था। फिर क्या था, इतना प्यारा सीन बन चुका था। जहान इबो को किसके बिना रहता, और उसे रहना भी नहीं चाहिए। उसने तुरंत इबो के लिप्स पर अपने लिपस्टिक आए और उसे प्यार से सॉफ्टली किस करने लगा, जिसका उसे इबो की तरफ से तुरंत रिस्पॉन्स भी मिला। और फिर कुछ मिनट बाद किस ब्रेक करके जहान बोला, स्वीटी डिनर का टाइम हो गया है और जो चीज़ डिनर पे नहीं खाई जाती उसे खाकर तुम्हारी तबीयत खराब नहीं हो जाएगी? फिर उसने सहाय करते हुए कहा, जहान को तो बस इतना चाहते हैं कि उनका बॉडी बीमार ना पड़े। पर
इबो ने अपनी बात जारी रखनी चाहिए, पर जान उसे समझाते हुए बोला, वो बेबी मैं जानता हूँ तुम्हें वो चाहिए, पर तुम्हारी हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है। अब जाकर जान की बात इबो के दिल को छू गई। वो कन्विंस हुआ, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर जान तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या डिनर करने चले? इबो ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। जान ने कहा, चलो चलते हैं। तो इबो ने कहा, पर आप अभी भी बुरे हो। ये बात सुनकर तो जान को बहुत हंसी आई, पर उसने बस इबो का नाक रब करते हुए कहा, अब इस हस्बैंड को और क्या करना होगा अपने बुरे वाला टैग हटाने के लिए? इस पर इबो ने अपना हाथ उठाया, जान के गाल पर फिराया, जिससे जान के चेहरे पर प्यारे से मुस्कुराहट आ गई। और इबो भी मुस्कुराते हुए जान के गाल को सहलाते हुए पूछने लगा, क्या जान गागा अपने बॉडी को खुश करने के लिए कुछ भी करेंगे? जान ने कहा, हाँ माय लव। इबो ने कहा, ठीक है, फिर मैं जल्दी आपको बताऊंगा। वो फिर से एक बार बच्चों की तरह एक्साइटेड हो गया था। तो जान ने कहा, तो फिर चलो। इबो ने कहा, कहाँ? जान ने कहा, डिनर के लिए। तुरंत ही वो दोनों पास ही के एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए, जहाँ पर बहुत सारे लैंप्स पेड़ से लटक रहे थे, जो सारे व्यू को चार चांद लगा रहे थे। इबो ने तो सोचा भी नहीं था जान उसे ऐसे किसी जगह पर लेकर आएगा। वो तो आँखें बड़ी बड़ी करके उस नज़ारे को देख रहा था, और जान इबो को देख रहा था। उसने तुरंत इबो से पूछा, तुम्हें पसंद आया स्वीटहार्ट? तब इबो ने सर हिलाकर मना कर दिया, जिसे जान की भुएं सिकुड़ी। पर इबो ने कहा, इबो लव दिस प्लेस। अब तो वो आगे बढ़कर इस जगह को और भी गौर से देखने लगा। तभी जान ने पीछे से उसे हक कर लिया और पूछा, क्या इस हस्बैंड को अपने ब्यूटीफुल हस्बैंड के साथ इस ब्यूटीफुल जगह पर डिनर करने का ऑनर मिलेगा? जान की ये बातें सुनकर इबो ने तुरंत कह दिया, यस हबी। इसी के साथ ही दोनों अंदर की तरफ चले गए, जहाँ पर उनके लिए सीट्स रिजर्व करके रखी गई थी। अपनी जगह पर पहुंचकर जान ने तुरंत इबो के लिए चेयर पीछे खींची, और जैसे ही वो उस पर बैठ गया, जान ने चेयर आगे पुश की, फिर वो इबो के सामने आकर बैठ गया और फिर मुस्कुराकर इबो को मेन्यू चूज करने के लिए कहते हुए बोला, लव तुम चूज करो। इबो के माथे पर शुकन आ गई। उसने कहा, आप नहीं चूज करोगे? तो जान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम चूज करो। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वांग शान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।